गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का एक टॉपिक है गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। कौन सा टॉपिक है? गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट की क्या दी जा रही है, गारंटी दी जा रही है, यानी किसी भी पार्टनर को या पार्टनर्स को गारंटी दी जा सकती है कि उसका कम से कम इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। यहां पे गारंटी मिनिमम की दी जा रही है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। गारंटी किस चीज की दी जा रही है? मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो इसमें गारंटी किस तरीके से दी जाएगी? या तो कोई एक पार्टनर गारंटी देगा किसी अदर पार्टनर को, या फिर पार्टनर्स को, या कुछ पार्टनर्स मिलकर किसी एक पार्टनर को या पार्टनर्स को क्या देंगे? गारंटी देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि गारंटी ए ने दी, गारंटी बी ने दी या सी ने दी, तो जिस भी पार्टनर को गारंटी दी जा रही है उसके अलावा जो भी रिमेनिंग पार्टनर है वो गारंटी उनकी मानी जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि गारंटी ए ने दी है, बी ने दी है या सी ने दी है, तो गारंटी किसकी मानी जाएगी? जिस पार्टनर को गारंटी दी जा रही है उसको छोड़कर जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी वो गारंटी मानी जाएगी। और किस रेशो में मानी जाएगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। ए बी एंड सी तीन पार्टनर है। सी को गारंटी दे रहा है ए। ए हैज गिवन अ गारंटी टू सी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000। सी को गारंटी दी किसने? ए ने, कि उसका मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 10,000। जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसका बंटवारा किया जाता है ए बी सी में, जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो ए के जो सी है, सी के शेयर में जो प्रॉफिट आया वो आया 8,000। कितने की गारंटी मिली थी इसको? 10,000 रुपीज की गारंटी मिली थी ना। किसने दी थी गारंटी? ए ने गारंटी दी थी। तो 10,000 की इसको गारंटी मिली थी, इसके हिस्से में आया कितना? 8,000। तो 2,000 रुपए कम है, 2,000 रुपीज की डेफिशिएंसी है। इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? जिसने गारंटी दी है। गारंटी किसने दी है? ए ने। तो ये ए के अकाउंट से, ए के शेयर से ये 2,000 रुपीज क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। और किसमें ऐड कर दिया जाएगा? जिसका भी जो मिनिमम शेयर है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, जितनी डेफिशिएंसी आ रही है, जितनी कमी आ रही है, वो उसके अकाउंट में क्या कर दी जाएगी? ऐड कर दी जाएगी। और कहां से ली जाएगी वो डेफिशिएंसी? जिस भी पार्टनर ने क्या दी? गारंटी। सपोज करो यहां पे गारंटी क्लियर नहीं होती, क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन होता कि सी हैज गिवन अ गारंटी ऑफ रुपीज 10,000 ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि वो गारंटी ए ने दी है या वो गारंटी बी ने दी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? वो गारंटी दोनों पार्टनर की मानी जाएगी, दोनों रिमेनिंग पार्टनर की मानी जाएगी, यानी ए और बी दोनों पार्टनर की वो गारंटी मानी जाएगी। किस रेशो में मानी जाएगी? जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसी रेशो में। सपोज करो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ए बी एंड सी का, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1, ए बी सी तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 1:1:1। सो ये गारंटी ए और बी के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 1:1। तो जो 2000 रुपीज की जो डेफिशिएंसी है, वो 2000 रुपीज की डेफिशिएंसी किससे राइट ऑफ की जाएगी? उसकी भरपाई किससे की जाएगी? ए और बी से। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 1:1। इस 2000 को हम 1000 तो ए के शेयर में से माइनस कर देंगे, और 1000 किसके शेयर में से माइनस कर देंगे? हम बी के शेयर में से माइनस कर देंगे। क्लियर है सबको? तो अगर जिस क्वेश्चन में आपको गारंटी गिवन नहीं है तो उसमें क्या करना है? जिस क्वेश्चन में गारंटी आपको क्लियर क्लियर गिवन है तो आपको क्या करना है? अब हमने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे तो हमारे जो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं या ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। आने वाले क्वेश्चंस जो है वो आपके बहुत ही इजी हो जाएंगे, आपको आप उनको इजीली कर पाओगे।
क्लियर है? सो बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये टॉपिक ही बहुत इजी है, अगर आप समझोगे तो ये बहुत इजी टॉपिक है। सो ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, देखो ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:1। हाउएवर सी इज गारंटी अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, सी को गारंटी दी जा रही है कि उसका मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा ₹10,000 एवरी ईयर, यानी उसका प्रॉफिट ₹10,000 से कम नहीं होगा किसी भी साल। क्लियर है सबको? नाउ द प्रॉफिट फॉर द 2 years, यहां पे हमें जो प्रॉफिट गिवन है वो 2 years का गिवन है, एंडिंग 31st March 2015 एंड 2016 वर 30,000 एंड 90,000 रिस्पेक्टिवली। इट मींस 2015 का कितना है 30 एंड 2016 का कितना है 90,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years, हमें 2 years का क्या प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमने फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो प्रॉफिट कितना है, हमने ये 2015 का प्रिपेयर कर रहे हैं पहले, और फिर उसके बाद कौन सा करेंगे 2016 का। 2015 का जो प्रॉफिट है वो हमें गिवन है 30,000, कितना प्रॉफिट गिवन है हमें 30,000। सो ये इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या है ये नेट प्रॉफिट है, कितना है नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट है ये 30,000। क्लियर है सबको? ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है टू, क्योंकि और कोई एप्रोप्रिएशन इस क्वेश्चन में नहीं है, ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व में ट्रांसफर, कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो जो भी 30,000 का प्रॉफिट है इसको हम क्या कर देंगे नॉर्मली क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी पार्टनर्स हैं ए बी सी में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किस किस में ट्रांसफर किया जाएगा, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। इसमें इस 30,000 के प्रॉफिट को हमने क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जो 30,000 का जो प्रॉफिट है इसको हमने ए बी एंड सी इनमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेशियो कितना है 3:1, 3:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6, इसमें हमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 3:1 के रेशियो में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, ये 15,000, इसका कितना आ जाएगा 10,000 और इसका कितना आएगा 5,000। कितनी गारंटी मिली थी इसको 10,000 की, लेकिन सी के शेयर में जो मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट की जो गारंटी मिली थी वो कितनी थी 10,000, लेकिन सी का शेयर आया कितना है 5,000, ₹5,000 कम आया ना, सिर्फ ₹5,000 मिले और कम से कम कितने मिलने चाहिए थे 10,000। गारंटी किसने दी थी, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ए, अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो उसको कौन मेट करेगा ए, ए भुगतान करेगा उसको, सो ए के अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, ए ने गारंटी दी थी ना यहां पे, क्लियर है सबको? सो ए ने गारंटी दी थी तो ए के अकाउंट से हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, किसको दे रहा है ये सी को, तो यहां पे कर देंगे सी इज कैपिटल अकाउंट, कितना 5,000 माइनस कर दिया, तो ए के शेयर में जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 10,000। बी ने कोई गारंटी नहीं दी ना, गारंटी किसकी थी ए की, तो सिर्फ ए के अकाउंट से माइनस किया जाएगा, किसको दे रहा है ये सी को, तो क्या लिखेंगे माइनस सी इज कैपिटल अकाउंट, इसका 5,000 रुपीज कम आ रहा है, मिनिमम शेयर प्रॉफिट कितना था इसका 10,000, गारंटी किसने दी थी ए ने गारंटी दी थी, तो ए इसको गारंटी दे रहा है जो मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट में जो भी डेफिशिएंसी आ रही है वो कहां से लेगा ये ए से लेगा, कितनी डेफिशिएंसी आ रही है 5,000, तो इसको कितना दे दिया जाएगा 10,000, और जो बी का जो शेयर है वो एडिटिव रहेगा, इसको कितना मिल जाएगा 10,000।
क्लियर है सबको? यानी जो भी पार्टनर गारंटी देगा उससे वो शेयर माइनस कर दिया जाएगा, जिस भी पार्टनर को दी जा रही है उसमें क्या कर दिया जाएगा, वो ऐड कर दिया जाएगा। अगर ये गारंटी क्लियर नहीं होती तो इस क्वेश्चन में, अगर ये गारंटी क्लियर नहीं होती इस क्वेश्चन में कह रखा है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ए। अगर उसके अकाउंट में कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो उसको कौन मेट करेगा, कौन बियर करेगा उसको, कौन सहन करेगा उसको, ए। लेकिन अगर ये बात नहीं लिखी होती तो ये गारंटी किसकी मानी जाती, ये गारंटी ए और बी दोनों की मानी जाती है। और किस रेशो में मानी जाती, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 3:2, तो ये गारंटी 3:2 के रेशो में मानी जाती। सपोज करो ये प्रॉफिट मिनिमम गारंटी कितनी है, 10,000 की गारंटी है, 5,000 रुपीज की डेफिशिएंसी आ रही है, तो ये 5,000 की जो डेफिशिएंसी है वो ए और बी से मानी जाती अगर गिवन नहीं होता। किस रेशो में, 3:2 में। मींस 3,000 तो हम ए के अकाउंट से माइनस कर देते और जो 2,000 है वो हम किसके अकाउंट से माइनस कर देते, बी के अकाउंट से माइनस कर देते। अगर क्वेश्चन में डेफिशिएंसी या फिर गारंटी के बारे में गिवन नहीं होता तो, क्लियर है? ओके, सो अब हम इस ईयर का जो प्रॉफिट है इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 2016 का भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या ये नेट प्रॉफिट है, कितना नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है 90,000। इस ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है 90,000। इस 90,000 को नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, ए बी सी में, किस रेशियो में, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सिंपली टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किस किस में ट्रांसफर किया जाएगा, ए बी सी में। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है 90,000, कितना प्रॉफिट है 90,000। तो इस 90,000 को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी में 3:2:1 में, 3/6, 2/6 एंड 1/6 कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। कितना आएगा भाई ये 45,000, इसका कितना जाएगा 30,000 और इसका कितना आएगा 15,000, टोटल कितना हो गया ये 90,000। सी को कितनी गारंटी मिली थी मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट की, 10,000 की गारंटी मिली थी। सी को गारंटी कितनी मिली थी 10,000, लेकिन सी के शेयर में प्रॉफिट कितना है 15,000, मिनिमम से ज्यादा ही है ना, तो मिनिमम की गारंटी है। अगर मिनिमम में अगर कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो वो ए से चार्ज की जाएगी, उसको कौन मेट करेगा, कौन बियर करेगा, उसको ए बियर करेगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा मिलता है नो प्रॉब्लम, गारंटी किस चीज की दी जा रही है यहां पे, मिनिमम की गारंटी दी है। क्लियर है सबको ये, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को क्वेरी सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।